अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देखो स्पीक और मैं तुहाडा मेज़बान मूसा वड़ाइच। तां अज दे प्रोग्राम विच असीं गल करांगे पाकिस्तान और श्रीलंका दीआं क्रिकेट टीमां दरमियान खेली जाण वाली पंज एक रोज़ा मैचां दी सीरीज, जिहदे विच चार मैचिस खेले गए। एक मैच जिहड़ा बारिश दी वजह तों ना हो सकिया, पूरे दा पूरा मैच ही जिहड़ा नहीं सी हो सकिया। बाकी सीरीज जिहड़ी ओह श्रीलंकन टीम ने जित ली है, पाकिस्तान कोलों 3-1 तों श्रीलंकन टीम कामयाब रही। पाकिस्तान टीम नूं जिहड़ा चौथा मैच जिहड़ा सी ओहदे विच वी बड़ा पाकिस्तान जितया हुआ मैच पाकिस्तान टीम ने लूज किया, और फाइनल जिहड़ा लास्ट मैच सी सीरीज दा उहदे च बड़ा अच्छा एक मौका सी पाकिस्तान टीम कोल सीरीज नूं बराबर करन दा, लेकिन उहदे च वी पाकिस्तान टीम नाकाम रही। कुछ गलतियां सन जिहड़े, कुछ फैसले कप्तानी दे फैसले वी कुछ ऐसे सन जिहड़े कि जिन्हां दी वजह तों कहा जा सकदा है कि सईद अजमल नूं ना खिलाना जिहड़ा एक सब तों वड्डी गलती मेरे ख्याल दे मुताबिक जिहड़ी ओह इही सी। एक ऐसा बॉलर जिहदी पूरी दुनिया जिहदे कोल इस टाइम जिहड़ा ओह डरदी है, दुनिया के बैट्समैन जिहड़ा इस टाइम उहदे कोलों डरदे ने, उस प्लेयर नूं तुसीं टीम विचों बाहर बिठा रहे हो। इस सारी सीरीज दे वालों असीं गुफ्तगू करांगे। आइंदा जिहड़ी टैसट सीरीज जिहड़ी पाकिस्तान और श्रीलंका दरमियान 3 टैसट मैचां दी सीरीज खेली जानी है, उस वालों नाल असीं गुफ्तगू शामिल करांगे अपने प्रोग्राम विच। तारफ करांदा जावां अपने मेहमानां दा, अज़हर जैज साहब मौजूद ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे साबक मैनेजर। जैज साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद जमशेद साहब मौजूद ने, टैसट क्रिकेटर ने, साबक टैसट क्रिकेटर। मुजाहिद भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जैज साहब तुहाडे तों शुरू करांगा प्रोग्राम। ओवरऑल अगर असीं सीरीज देख रहे हां, पहले ते मैचेस जिहड़े सन, पहला मैच वी पूरे ओवर ना खेले जा सके बारिश दी वजह तों, लेकिन पाकिस्तान टीम ने जीत लिया ओह मैच। दूसरे मैच च श्रीलंकन टीम उन्हें कमबैक किया और बड़ा अच्छा मैच जितया दूसरा जिहड़ा सी। तीसरा मैच ना हो सकिया बारिश दी वजह तों, पूरा मैच ही नहीं सी होया। चौथा और पंजवां मैच दोनों ही श्रीलंकन टीम ने जीते, और दोनों मैचेज ऐसे सन जिहड़े पाकिस्तान टीम अपने हाथी चो जिहड़ा कहंदे ना कि मैच कढ देना, इस रही सी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहली गल तो हैगी कि असी तबसरे जिहड़े कर रहे ना और रोज दे मैचां दे हिसाब नाल कर रहे, लेकिन हकीकत हैगी कि जिस वेले टीमां गईयां सी उस वेले ही जिहड़े मामलात नजर आ रहे सी कि बहुत सारे बंदियां नूं खुश कर दिओ, 20 च पा दिओ, वन डे च पा दिओ और टेस्ट च पा दिओ, ते बहुत सारे बंदियां नूं खुश कर दिओ ताकि लोकां दे मुंह बंद रहिण। यह क्रिकेट दी एथिक्स नहीं गी, यह क्रिकेट दा तरीका कार नहीं हैगा। पाकिस्तान दी कैप मिलना इन्ना आसान नहीं, पाकिस्तान वास्ते खेलना बहुत एक प्राउड दी गल है, लेकिन मेरा ख्याल है इत्थे बहुत सारी चीजें मद्देनजर नहीं रखियां गईयां, और उहदा तुसीं नतीजा यह देख लिया कि जिस वेले सीरीज स्टार्ट हुई सी तद भी बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स कह रहे सी कि कप्तान के साथ मिलके चलना चाहिए, कप्तान का साथ देना चाहिए। जदों सीरीज दे दौरान भी तुसीं यह देखिया कि जनाब आपस विच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हैगी और टीम दे विच कोई ग्रुपिंग हैगी है, तो ग्रुपिंग कदी उंज नहीं नजर आती कि पांच बंदे एक पासे खड़े होन, छे बंदे एक पासे खड़े होन। उहदा तरीकाकार ऐसा शो हुंदा है कि वाकई यार इहदे विच कोई प्रॉब्लम है। खुद तुसीं दस रहे हो कि दो मैच इस तरह और जिते साडे मुंह चो कट के लै गए कि उहदे विच अगर तुसीं मेरी जाती रहे, पता नहीं मैं हुण सही है या गलत है, कि अगर तुहाडे को खेलिया नहीं जा रहा तो आउट तो हो सकदे हो, कि तुसीं आउट ही हो जाओ, लोकां नूं मौका दे दिओ कि जनाब आगे तुसीं कर लो। अगर वन डे या 20 कोई भी मैच है, अगर तुसीं एडे थक गए हो या तुहाडे को रनिंग नहीं हो रही, तो देयर इज समथिंग रोंग। तुसीं बाहरों कहंदे रहो जनाब कोई चक्कर नहीं हैगा, कोई किसी किस्म की ग्रुपबाजी नहीं हैगी, लेकिन देयर इज समथिंग रोंग। हुण तुसीं हुण कह रहे हो कि जनाब सईद अजमल नूं, मैं समझना कि सीमेंटेड विकेट होवे तद भी बाहर नहीं निकलता, टेस्ट क्रिकेट होवे तद भी बाहर नहीं निकल सकता, कोई विकेट होवे दुनिया की वह बंदा बाहर नहीं निकलता। तुसीं कह रहे हो दुनिया का वर्ल्ड क्लास दूसरा इजाद करता, तीसरा इजाद करता, तो जिहड़ा इजाद करने वाला बंदा उन्हें तुसीं बाहर बिठाता, तो जिहदा एक प्रेशर सी दूसरी टीम प्रेशर। और श्रीलंका दे और साडे मामलात भी मिलते जुलते ने, मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड दे भी और खिलाड़ियों दे भी, उत्थे भी काफी कप्तान ने, विच साडे विच भी काफी कप्तान ने। और कल भी तुसीं देखिया होगा कि एक बॉलर जिहड़ा समी जूनियर बॉलर नहीं हैगा, और पाकिस्तान का सीनियर तरीन तुसीं कप्तान बना दे तो उहदे भी लै गया कि जी इन्ना सीनियर आदमी हो, 10 साल पहले हर बंदा आके उन्होंने मशवरे दे रहा है कि हाँ जी सुट दे, हाँ जी सुट दे, हाँ जी कर दे, हाँ जी कर दे, असी भी क्रिकेट खिलाईए। क्रिकेट की यह तरीकाकार नहीं है, यह एथिक्स नहीं है। उसके अलावा मैं भी जरूर कहूंगा कि अगर तुहाडा ओपनर किसी पूछा जाए कि इनू क्यों लैके गए से इमरान फरत, अगर उन्हें कल छपंजा किया उन्हें शो किया कि मैं जनाब अच्छा प्लेयर सी, मैं बाहर बैठा सी, या तो उन्हें ले जाना नहीं चाहिए सी, और अगर ले जा अच्छा अगर उन्हें खिलाया गया तो अजहर अली क्यों नहीं हो, जो तुम ओपन पक्का ही करता अजहर अली तो ओपन कर दो, पहले चार मैचेस अगर खिलाए तो ओपन कर दो। बस इतने दोस्तियां नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार इतने चल जाए, चलो इतने चल जाए, इतने नहीं चलता बॉलिंग ही चल जाए, बॉलिंग नहीं चलता तो चार कैच फड़ जाए। यह क्रिकेट नूं इह पक्का करन दा कोई तरीका कार नहीं है। परफॉर्मेंस जिहड़ी ना जिस वेले असीं गए सी सारे अखबारां तुसीं तबसरे लोकां दे पढ़े सी कि क्लीन स्वीप करके असीं चौथे नंबर ते आ जांगे,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਟ ਮੋਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵਟ ਮੋਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ ਕੀ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ $12,000 ਇੱਕ ਲੈ ਰਿਹਾ $15,000 ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ $1,000 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੋ ਅੱਛੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ $1,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਦੀ ਫੀਲਡ ਤੇ ਇਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਨੀਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਮਰਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਲਤੀਫ ਉਹ ਵਨਡੇ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਵੰਟੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵਹਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਫ ਦੀ ਫੀਲਡ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਫ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਰੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਲੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈਣ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਉਹ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਲੈਕਟਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਚੀਫ ਸਲੈਕਟਰ ਰੱਖਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਾ ਧਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਮੁਜਾਹਿਦ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੁਬਈ ਅਬੂ ਜ਼ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਏ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਵਨ ਕੇਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜ 50 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਚ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਪਤਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਕਟ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਦੋ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਵਰਦਨ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਡਨਲੀ ਗੇਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯਾ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਡ ਸੀ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਲ ਫਸ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜਮਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਟ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਰਲੀ ਦੇ ਗੇਮਸ ਖੇਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਸਈਦ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੈਡ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਪਿਆ ਮੈਚ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਹਰਨ ਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੂਸਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋਬ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਕੋਨਸਟਰੇਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬੋਲਿੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 15-20-25 ਰਨਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਸੀ ਬੈਡ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਯੂਨਸ ਖਾਨ
कप्तान रहे ने पाकिस्तान टीम के, किसी मैच भी वो परफॉर्म नहीं कर सके, चारों मैच जो खेले एक मैच उन्होंने खिलाया नहीं गया। अगर असी ये सिचुएशन है मोहम्मद हफीज ओपनर जो बैट्समैन ने जिन्होंने टी ट्वेंटी का कप्तान बनाया गया, शायद वो कप्तानी का प्रेशर लै गए कि मसला हो देखो मैं इतने दूसरा गल जरूर कहवा कि जदी साहब भी मेरी गल ना करी करेंगे, साढ़े सारे जो क्रिकेटर बैट्समैन है ये स्पैशल पिचा के प्लेयर ने, जिथे इन्हों टर्निंग ट्रैक मिल जाएगा उत्थे स्ट्रगल करेंगे, जिथे थोड़ा सीम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा उत्थे स्ट्रगल करेंगे। बेसिकली इन्हों ट्रैक चाहिए ने लो बाउंस बैटिंग ट्रैक जिथे तुसी मीन्स के एशियन टीमों फेंडी ला सको, जिथे थोड़ी जी चंगी बॉलिंग अच्छी फील्डिंग आँधी उत्थे स्ट्रगल करना शुरू हो जाए। मैं जरूर इतने एक और गल करना चाहवागा कि बोर्ड नू हुण एक सीरियस एक्शन लेना पेगा कैसे दो तीन चाहे वह मीन्स के लोकल ब्रांड के प्लेयर्स होन उन्होंने ट्रेन कर इंटरनेशनल प्रेशर लेना उन्होंने सिखाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर की होंगे। और उन्हें तुम इमरान फरहत की भी गल की थी, किस वजह न लै गए अगर तुम कल बैटिंग देखो वनडे सीरीज वनडे मैच वनडे टीम में रखा इमरान फरहत नू, अगर उन्हें चार मैच तुम पहले नहीं खिलाए आखिरी मैच सिर्फ एक मैच ही उन्होंने सिर्फ जरा ओके टूर से तेन लैके आए नाल एक मैच खिला दे बहुत ही अफेक्टेड सी स्पेशली कप्तान दे सोचन दा काम है उस असी बैठ के टीवी दे डिसीजन मेकर नहीं हुंदे ऑन द स्पॉट चीजां हुंदियां ने सडनली तुसी एक डिसीजन लेना फैसले करने हुंदे बिल्कुल और बड़े कॉस्टली फैसले हुंदे ने वेलकम बैक नाज़रीन, तुसी देख रहे हो प्रोग्राम स्पोर्ट्स वीक। गल असी कर रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका दी क्रिकेट टीमां दरमियान होने वाली एक रोजा सीरीज जड़ी के पाकिस्तान टीम उहदे च नाकाम रही और श्रीलंका ने 3-1 तो सीरीज जड़ा पाकिस्तान के खिलाफ जीत ली। जैसे साहब इमरान फरहत की गल जिस तरह मजाब भी कर रहे हैं, इमरान फरहत वन डे टीम में उन्हें रखा गया सी और एक मैच में उन्हें मौका दिता लेकिन वह अच्छा परफॉर्म कर गया, उन्हें 50 रन किए। समझ दो कि अगर कंबीनेशन इस तरह का बनता सी ओपनिंग कंबीनेशन जड़ा लेफ्ट राइट वाला कंबीनेशन, अगर तुसी एक पासे तुसी अजहर अली नू खिला रहे हो पूरे मैचेस उन्हें मौका दे रहे हो ओपन उन्हें करवा रहे हो अगर वो स्कोर भी कर रहा है तो फिर उन्हें कंटिन्यू करो, अगर लास्ट मैच है इमरान किस तरह सारे फैसले जड़े ने कप्तानी मिसबाह की किस तरह देख रहे हो तुसी? मिसबाह की कप्तानी की मैं गल नहीं कर रहा, माजरत दे नाल जदों मजाहिद जमशेद नहीं गए तो एक ओपनर से ओनली मतलब एक हफीज तो एक अपना इमरान फरहत, तो इमरान फरहत का तो हक हर हालत बनता से कि पहले उन्होंने मौका दिता जाता ठीक है, अगर नहीं दो तीन देखना अगर तुम यूनस खान अगर दो मैच नहीं करता एड्डी गंदी शॉट मार के आउट होता, देखो ए नहीं सोचना चाहिए कि यार वह कि रिश्तेदार है वह क्यों सिलेक्ट होया, अगर वह सिलेक्ट होया भी हो एग्रीमेंट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न जड़ा सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी तो वह एक टीम का हिस्सा है और एक पुराना प्लेयर है ए नहीं मैं कहता और जी करके हूं जो उन्हें करके दाया वह कौन जिम्मेदार है और जो पिछले मैच उन्होंने तीन नहीं खिलाए लेकिन अफसोसनाक गल है ना कि एज ए ओपनर लैके जा रहे हो तुम दस भी रहे हो मजाहिद जमशेद अनफिट हो गया तो कला रह गया तो मैं खाला तो बड़ा कॉन्फिडेंट होगा कि यार हूं तो मैं खेलांगा लाजमन तो उदू ही उन्होंने क्या साइड पर आ जा, लेकिन फिर उ है कि जिन्होंने अल्लाह इज्जत दे एक मैच खेलिया उन्हें प्रूफ करता नहीं भी होंदा, मैं कहना अगर फर्ज करो पांच सात कर देंदा तो हर बंदा शायद यह तबसरा करता फिर फायदा की सी पहले खिड़ांदा उन्हें की फायदा, तो यह चीजा नहीं होंदिया क्रिकेट यह बच्चे वो नहीं है कि जरा कोई अठवां अठवां मैच खेल रहे उन्होंने काफी मैच पाकिस्तान क्रिकेट ही चेके ने और क्रिकेटिंग फैमिली का हिस्सा ने, यानी कि मैं कोई उन्होंने फेवर कर रहा या लेकिन एक क्रिकेट का जो स्कूल है जी एथिक्स है वो तरीके सामना बना और फास्ट बोलिंग का भी यही हिसाब है कि देखो नो डाउट कि अगर तुम सहेल तनवेर ने किस बेस से सिलेक्ट होया उ
ट्वेंटी अच्छी गेंद किए उन्हें कहा शायद श्रीलंका तंग करेगा। हूं नहीं विकटा की गल कर रहे थे जान तो पहले पढ़ लो उत्थे अंदर जान के बाद बयान पढ़ लो उन्होंने कहा सानू एको जैसा मौका मिले गर्मी च असी पांच छे छे मैच खेल के आए हैं और जिस वेले असी ट्वेंटी का दूसरा मैच आ रहे हैं असी क्या अपना क्या उन्होंने कि नहीं जी नहीं देखो गल हैगी है कि आईपीएल का उन्होंने तजर्बा है जिस वेले असी जीते हैं तो आईपीएल का तजर्बा खत्म हो गया वन डे जिस तरह उन्होंने टीम आउट हुई है फिर आईपीएल तजर्बा कितने चला गया यह चीजा बिल्कुल प्लेयर नहीं श्रीलंका कोई भी प्लेयर नहीं तुम देख लो जयवर्धन ने दिलशान ये सारे पुराने प्लेयर ने पाकिस्तान की भी उ पुराने प्लेयर ने जो अज तो नहीं खेड़े दस दस साल तो खेड़े तो हूं एक्सक्यूज के यार ए चीज नहीं पाकिस्तान के तमाम मुल्क के दौरे कड़ लो ए सारे लड़के कई बार श्रीलंका की इन्ना प्रेमा दस स्टेडियम से मैं भी टीम लैके गए मतलब हमेशा उत्थे मैचेस होंदे ने और ज्यादातर उत्थे ही होंदे सी मैच होंदे ने उन्हां दे बन गए ने कोई थोड़े जे सेंटर्स अदरवाइज ज्यादा मैच अगर कोई चार मैच नहीं तो तीन उत्थे होंदे सी कम से कम या दो उत्थे जरूर होंदे सी तो उहदा सब नूं तजर्बा है और ए एक्सक्यूज के जनाब ए हुण ए सिक्के आ करनगे इन्हां नूं ए सिखाया जाएगा ते ए करनगे एदे च कोई लेकिन साडी बैड प्लानिंग सी और असीं अच्छा नहीं खेले बिल्कुल ना असीं ओपन अच्छा कीता ना असीं फिनिश अच्छा कीता देखा ना कई मैच आई तो सानू फिनिश की लोड़ ही नहीं सी उन्होंने फिनिश करना सी तो उन्होंने अच्छा फिनिश किया जिथे असी रन वधा के खेला सी असी अपने रन उत्थे नहीं पहुंचा सके जिथे सानू पहुंचाना चाहिए सी जिथे सानू खड़े होके बैटिंग करनी सी उथे एक फिनिशर हुंदा पांच छे तो नहीं हुंदे कि सारे ने आके फिनिश करना मैच एक बंदा नहीं खड़ा होया असी 17 स्कोर दे 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए ते एदे च चौथे मैच च वी बड़ा सीरियस सानू ए सोचना पेगा कि प्लेयर होई ने अगर कोई मैं पहले भी कह चुके हैं कि अगर किसी वड्डे प्लेयर नूं तुसीं बाहर बिठाना है तो कोई ऐसी गल नहीं सिलेक्टर ऑन टीवी ते आके दसन के जनाब इन्हां दी बैड फॉर्म है जिस वेले आ फॉर्म विच आणगे इन्हां नूं फिर खिलावांगे कोई इहदे च बुराई वाली गल नहीं कि दुनिया के सारे वड्डे वड्डे प्लेयर बैठते रहने और सिर्फ इस बेस ते बैठे सानूं इह प्रॉब्लम है कि अगर किसी वड्डे प्लेयर नूं असीं बिठाना चाहने ना तो असीं उहनूं कहांगे पट्टी बन लै ताकि दसिए कि अनफिट से इस करके नहीं खेल कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिकेट का हिस्सा एक अनफिट भी हो नहीं भी खेल सक रहे लेकिन मैं कई दुनिया के अच्छे प्लेयर देखे कि वो सिर्फ टीम की खातर खुद जाके दस देने कि जी मैं मेरा ख्याल है नहीं फिट है तो मैं मैच नहीं खेल सकता उन्होंने खुद इन्ना कर जाए असं यह कहने कि अगर कोई चीज लुकी रहे तो विच वड़ रही है कुछ ना हो कम अज कम 2 लाख रुपया मैच का तो मिल जाए मैच फीस देना ना साड़ी खत्म हो गए तो यह चीज मेरा ख्याल खत्म होनी चाहिए और बिल्कुल एक्सक्यूज छोटी छोटी जी एनजीसी एनजीसी उत्थे गर्मी सी उत्थे थले प्रोफेशनल प्लेयर ने ऐसी गल का पैसा दिता जाता है सिर्फ असी अपनी सीटा बचाने वास्ते अपने आप नू विच रहन वास्ते क्रिकेट बोर्ड च गलत नू गलत कहन सही नू सही कहन ते मेरा ख्याल क्रिकेट सही होगी जब भी हफीज दे वाले ना मैं गल करना चाहूंगा मोहम्मद हफीज नू T20 टीम दा कप्तान बनाया गया किस तरह देख लो कप्तान बनने तो बाद उन्हां दी परफॉर्मेंस जड़ी इस पूरी सीरीज विच अगर असीं देखिए एक मैच जड़ा वन डे नहीं खेलिया गया 4 एक रोजा और 2 T20 6 मैचेस खेले ने 6 मैच विच उन्हां दी जड़ियां इनिंग्स ने अगर असीं देखिए उन्हां नू 37 शायद हाईएस्ट स्कोर ने उन्हां दा इस पूरी सीरीज विच किस तरह देख लो प्रेशर है की मसला की प्रॉब्लम है देखो मूसा तुसी किसी भी प्लेयर्स को अपनी जड़ी उहदी एबिलिटी है उसको ज़्यादा काम नहीं लै सकते मेरा ख्याल है कुछ प्लेयर्स जो कि अपने आप बहुत वड्डे स्टार समझना शुरू हो गए जो कि मीनस के असी भी देख रहे हैं और साड़ी भी फीलिंग्स डिवेलप हो रही है कि यह गलत कर रहे हैं कि तुहाडी उहदी एबिलिटी नहीं है इन्नियां तुसी छलांगा मार रहे हो अगर तुसी ये पूरी सीरीज एवली स्पेशली है श्रीलंका वाली जदों दा हफीज कैप्टन बनया है ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਔਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਝ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਟਮੌਰ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ
इंजॉय नहीं कर रहे होंगे जिन्ना मोहसिन खान के नाल इन्होंने इंजॉय किया है, लेकिन गल है कि एक प्रोफेशनल बंदे का काम है कि रिएक्ट लाइक ए प्रोफेशनल और सिचुएशन कंडीशन जिस तरह की भी हो, ही हैज टू परफॉर्म लाइक ए प्रोफेशनल, देयर इज नो एक्सक्यूज। तो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ा लैक कर रहे हैं और उन्होंने इन्होंने चीज़ों को कवर अप करना चाहिए और अपनी जी परफॉर्मेंस उन्होंने फोकस करना चाहिए। एक चीज पॉइंट जरा एजाज चीमा की अगर अस गल करिए, पिछले पूरे अगर अस साल डेढ़ साल तकरीबन अस देखिए एजाज चीमा पाकिस्तान टीम च मुसलसल खेलिया पूरा साल डेढ़ साल पिछला जरा अगर अस लास्ट ईयर जरा वर्ल्ड कप खेलिया तो पहले भी अगर अस जनवरी तो देखने न्यूजीलैंड जरा टूर से तो अगर अस देख लो पूरा साल उस तो बाद ए साल शुरू तो किस तरह देख लो एजाज चीमा जरा परफॉर्मेंस भी ओरी अच्छी ही रही है हर मैच उन्हें परफॉर्म किया। इस सीरीज से अगर असी देखिए पाकिस्तान टीम में शामिल ने इस टाइम भी एजाज चीमा मौजूद ने, लेकिन मोहम्मद समी नू मैचेस खिलाए गए, सुहेल तनवीर अच्छी बॉलिंग की उन्हें नो डाउट T20 वनडे च भी। चीमा के वालों की कहोगे कि यहोजे बॉलर नू जिहड़ा मुसलसल परफॉर्म कर रहा तुहाडे नाल पूरे साल डेढ़ साल तो खेल रहा मुसलसल प्रैक्टिस च उन्हू इस तरह बाहर बिठा देना बिलकुल ही। मैं समझना वा कि जी साडे सिलेक्टरां दे या मीन्स के साडे जिहड़े बोर्ड दे विच लोग बैठे ने और किसी भी छोटे लैवल की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। अगर उन्हें BPL दे विच एक हैट्रिक करती या उन्हें बॉल अच्छे किए, ये सानू कदी नहीं भूलना चाहिए कि अगर खेलने वाले कौन है, एक लोकल प्लेयर जो कि साडे क्लब लैवल तो भी हल्के प्लेयर ने उन्होंने खिलाफ हैट्रिक की, ऐसे प्लेयर जिन्हों मीन्स के तुसी बड़े कॉन्फिडेंटली छे छे गेंद बीट कर रहे जे, उस क्राइटेरिया दे उत्ते इस टीम सिलेक्शन नहीं सी होनी चाहिए। नो डाउट जिन्ना समी दी पेस जरूर है, मेरा लास्ट प्रोग्राम जो यही गल तुसी पुछी सी कि जदों उह ज्यादा अपनी बॉडी या ज्यादा जोर लाने की कोशिश करता वह अपनी लाइन एंड लेंथ कंट्रोल नहीं रख सकता, जो कि बहुत ही हुण बार बार कप्तान क्यों उमर गुल दे उत्ते रिलाई कर रहा, क्योंकि बहुत ही स्मूथ है कप्तान, पता है कि इस ईजी एक्शन के नाल ज्यादा टफ टाइम दे सकता बैट्समैन और यही ओदी परफॉर्मेंस मैच विनिंग बॉलर है ओबियसली। और आजाद चीमा नू ना खिलाने की वजह मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट ही हो सकती है, क्योंकि वह बेहतर फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वह बैठे ने उन्होंने सामने ओदी फिटनेस भी होगी परफॉर्मेंस सब दुनिया नू पता है कि उन्हें डिसीजन कैप्टन दे होंदे ना इस तरह दे डिसीजन दे कि मैं प्लेयर खिलाना है कैसा रिएक्ट कर रहा है बॉडी लैंग्वेज कैसी एक चीज नहीं गर्मी दे जो थलो ह्यूमैनिटी निकल रही होंगी उस हीट दे बॉडी लैंग्वेज की काफी चीजा देखनिया पैंदियां ने, मीन्स के सिर्फ ए नहीं कि तुसी बॉलिंग करके फील्डिंग करने चले गए, उस तो बाद तुसी फील्डिंग की भी एक जॉब है उन्होंने तुसी किस तरह करते जे मीन्स के काफी चीजा इन्वॉल्व हो जाए। मेरा ख्याल उस एक पैकेज बना के कप्तान ने डिसीजन लेना होंगे कि आया नु मौका दिता जाए या ना दिता जाए, लेकिन शायद मोहम्मद समी नू खिलाना ही महल शायद इस सीरीज महंगा पिया पाकिस्तान नू जिहड़े लास्ट मैच भी जिहड़ा पाकिस्तान ने हारिया। नाज़रीन एक ब्रेक लवांगे इत्थे, ब्रेक तो बाद वापस आके गुफ्तगू जारी रहेगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तुसी देख रहे हो प्रोग्राम स्पोर्ट्स वीक, गल असी कर रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका दी क्रिकेट टीमां दरमियान होने वाली सीरीज दे वल नाल। जैसे अगर असी पंजवां जिहड़ा मैच खेलिया गया सीरीज दा फाइनल मैच सी उहदे च पाकिस्तान को मौका सी एक उहनूं मैच नूं बराबर सीरीज नूं बराबर जिहड़ा कीती जा सकदी सी, 2-2 लैवल हो जांदी सीरीज, एक मैच जिहड़ा बारिश दी वजह तों नहीं सी हो सकिया। अगर इस मैच च अगर असी दोबारा मोहम्मद समी दी ही मैं गल करांगा, 9.4 ओवरस कीते ने और 75 रनस दित्ते ने मोहम्मद समी ने, और लास्ट ओवर भी तुसी मैच देखे ही होना, लास्ट ओवर 15 रन चाहिए सन, वो भी 4 बॉल से ही जड़ा उन्हें मैथ्यूज ने कर ले सन। वनडे ने जिस हिसाब नाल देखना चाहिए था ना, वो ते सानू क्लीन स्वीप करनी चाहिए सी, जिस तरह श्रीलंका ने अपनी पहले शो की परफॉर्मेंस उस हिसाब नाल साडी टीम बैलेंस भी सी, प्लेयर भी सारे सी, चॉइस भी तुहाडे कोल पूरी सी, स्पिनर दी भी फास्ट बॉलर दी भी हर चीज साडे कोल मौजूद सी। और अगर मैं इतने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यह कहाना नहीं जी कप्तान की गलती है, तो 14 अगर स्कोर होना आखिरी ओवर तो यह मतलब है कि टीम ने 500-700 रनजा कीतिया है, फिर 15 की एवरेज आती एक ओवर और समी फास्टेस्ट गेंदा कर रहे थे जो तुम सारे तबसरे सारी दुनिया के अगर देखो ना, यह तो असं हम इस वे कह रहे हैं क्योंकि टीम
हार चुकी है और ओवर 14 रन 4 गेंदा ते दे चुके ने। अगर वो ना दिते जांदे किसी और नकजी समी एडा फास्टेस्ट बॉलर सी ते ए बिल्कुल नाल नाल मैच दी गुफ्तगू होंदी रहिंदी है और हर बंदा अपने हिसाब नाल तबसरे करदा रहिंदा। मेरा ख्याल है कि समी जिस हिसाब नाल उन्हें सिलेक्ट कीता सी या जिस हिसाब नाल सीनियर बॉलर है जिनी स्पीड नाल गेंदा कर रहा सी जिनिया मेरा ख्याल है ओहदे नाल तारीफां कीतियां गईयां सी ओहदे हिसाब नाल कोई ऐसा बुरा एक्शन नहीं सी कप्तान दा कि 14 रन बहुत होंदे ने। उन्हों दी बदकिस्मती है कि उन्हें किस तरह गेंदा कीतियां कि 14 4 गेंदा ते ही हो गया और मैथ्यूज ने जिस तरह खेलिया कल्ले बंदे ने अपने सिर ते लेके खेलिया और तुसी देखिया पिछले 3-4 ओवरां तो की कर रहा सी कि सिंगल लेके सामने और सिंगल भी नहीं छड़दा सी, ए भी नहीं छड़दा सी कि यार ओहदे ते कालू सेकरा ते छड़ दिंदा मैच, ओहनू भी कवर करदा रहा और उन्हें इन्ने कॉन्फिडेंस नाल 14 रन कीते ने कि नहीं यार मैं करांगा ते ओ कल्ला ही बंदा वन साइडेड मैच लै गया। तो ओ देखो ना हुण उत्थे विच कप्तान की करे जदों उन्हें एक ओवर देता ओहदा मतलब सी 14 रन उन्हें बचाने ने 4-6-8 रन हो जाते 2-4 स्कोर तो असं मैच जीत देंगे तो यह बदकिस्मती है और इस तरह के मैचिज होंगे भी रहते हैं और 20-20 रन भी आखिरी ओवर च हो गए हैं। लेकिन अगर वह सिलेक्ट होया तो बेस्ट प्लेयर जो सिलेक्ट करके दिते सी उन्हें बेस्ट ऑप्शन खिलाए भी सारी गलती तुसी यह नहीं कह सकते कि तुसी यदि जनाब कप्तान की गलती है या अगर वह खेलता इजाज चीमा तो अच्छे गेंद कर लेंदा यह क्रिकेट का एथिक्स ने हिस्सा है। लेकिन पूरी सीरीज मैं कल पहले भी किसी जगह कह रहा सी निकलते ही नहीं सी ओदा ते मैं कह रहा कि देखो तुहानू घंटे के हिसाब नाल ओवर भी पूरे करने पैंदे ने तुहानू घंटिया के हिसाब नाल तुहाडी तुहानू पता है बॉलिंग एवरेज जिहड़ी है वह भी वधानी पैंदी है और पावर प्ले तुसी इस तरह का बॉलर तुहाडे कोल होवे तुसी जिस तरह मर्जी कल देख रहे हो उन्होंने मलंगा नू किस तरह यूज किया ठीक है और आखिरी ओवर जिस तरह लग रहा है कि जिस तरह अनप्लेएबल बॉलर है और शुरू चो लग रहा है कि जिन्हें मर्जी रन उन्होंने कर लो तो यह नहीं बॉलर जो अच्छा होंगे वह किसी स्टेज पर जाके अपने आप को शो कर देता कि यार मेरी है क्वालिटी है। और मलंगा जिहड़ा आखिरी ओवर च सब तो वड्डा डिफरेंस पाकिस्तान नूं पिया ना और जिहड़े 5 ओवरां च 13-14 रन इन्होंने किए ने वही वड्डा एक डिफरेंस पे उत्थे साढ़े 30-35 रन बनते जिहड़े कैलिबर दे प्लेयर खेल रहे सी बिल्कुल जिस तरह अफरीदी भी सामने गए सी उत्थे साढ़े कोल कोताही हुई एक दूसरी बात असीं फील्डिंग अच्छी नहीं की ठीक है उन्हां कोल जांदा सी असीं इक लैंदे सी साढ़े को कन्फर्म दो लेंदे सी मतलब अगर हाथी थ्रो होंगी सी तद भी दूसरा दौड़दे सी ते ए बिल्कुल वाजिया फर्क है और जेड़ा मन लेना चाहिए सानू कि नहीं यह साड़ियां कमजोरिया ने एदे ते वर्कआउट करना चाहिए और कता तालुक एदे नाल कि अगर कल असीं मैच जीत जांदे ते वाह वाह जी हां जी असीं सीरीज बराबर कर गए सीरीज सानू जितनी चाहिए सी जिस तरह की साड़ी टीम सी। प्रोग्राम दा टाइम भी खत्म हो रहा टेस्ट सीरीज खेली जानी हुण 3 टेस्ट मैचेस ने कुछ चेंजिंग्स भी प्लेयर्स चले गए ने श्रीलंका टेस्ट टीम में जड़ियां कुछ तब्दीलियां हैं ने 5-6 प्लेयर्स ने तौफीक उमर ने ओपनर जड़े वो भी चले गए ने कुछ नवे प्लेयर शामिल किए गए ने अयूब डोगर अफाक रहीम ने इस तरह के प्लेयर जड़े ने टेस्ट सीरीज नु किस तरह देख रहे हो पाकिस्तान टीम नु हुण जड़े दोनों सीरीज पहलियां हो चुकी हैं T20 सीरीज जड़ी वो बराबर हो चुकी है वनडे सीरीज श्रीलंका जीत चुकी है टेस्ट सीरीज दे वालों की कहो जो देखो मुसा मेरा ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट बॉलिंग साइड जिदी बॉलिंग ज़्यादा तगड़ी होएगी वो जितने भी चांसिस ज़्यादा होंगे ने और मैं इतने एक गल जरूर कहूँगा कि बॉलिंग पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मच बैटर इन्हों को 3-4 मैच विनिंग बॉलरस हैं जोड़े किसी भी सिचुएशन मैच का पासा पलट सकते हैं मीन जिद उमर गुल है सईद अजमल है शाहिद अफरीदी का ख्याल नहीं है ईवन के तुसी रहमान भी कह सकते बनिस्बत श्रीलंका को इंज का बॉलिंग अटैक नहीं है और श्रीलंका की और पाकिस्तान की जी बैटिंग ऑलमोस्ट बैलेंस है लेकिन बॉलिंग का जो जो एडवांटेज पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि सीरीज जितनी चाहिए अगर नहीं जीतनगे तो लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म की वजह जीतनगे। सब टेस्ट सीरीज की फाइनली प्रोग्राम खत्म कर भावे साढ़े बैट्समैन अच्छे ने भावे साढ़े बॉलर अच्छे ने श्रीलंका इज प्लेइंग इन श्रीलंका अपनी विकटा तो अच्छे ने यू हैव टू स्टे ऑन द विकेट जदों तुसी खड़े रहोगे तो रन मिलेंगे और नो डाउट उन्होंने थोड़ा जिहा एज है क्योंकि उन्होंने दो सीरीज है
एक बराबर की जीती, लेकिन फिर भी वही गल है कि पाकिस्तान टीम घट नहीं हैगी, लेकिन एनालिस्ट थिंक टैंक नूं बैठ के सोचना चाहिए कि यू हैव टू स्टे ऑन द विकेट। देखो बॉलर भी तभी आउट करेंगे जो स्कोर तुहानूं अगे लग्या होगा, अगर तुहानूं स्कोर बैट्समैन ने 300-400-500 दिता होगा तो बॉलर गेंद अच्छे करन दे, अगर तुसीं 150-200 तो आउट करोगे जी बॉलर ही सारा कर लेंगे, इंज नहीं है, अच्छी सीरीज होगी अच्छे। चलो यंगस्टर गए ने उन्होंने मौका मिलिया और जो सीनियर ने उन्होंने सोचना चाहिए, फिर वही गल है कि विकेट ते स्टे करेंगे, फिर इंशाल्लाह बॉलर भी कामयाबी होगी और बैट्समैन भी इन्हों रन देन और नाल नाल अच्छी फील्डिंग। अगर टेस्ट मैच ही तुसी ऐसे बंदे दा कैच ड्रॉप कर दो ते दस्ते करो तो 130 कर दिया जाके वो फिर साडे वास्ते फायदेमंद नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच जैसा, बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन गलबात सुनी तुसी एक्सपर्ट्स दी, पाकिस्तान टीम सीरीज ते हार गई लेकिन इहदे तों हुण जरूरत इस चीज दी है कि वन डे सीरीज विच पाकिस्तान ने जिहड़ियां खिलाड़ियों ने जिहड़ियां गलतियां कीतियां, कप्तान मिसबा उल हक जड़े ने उन्होंने सोचना चाहिए, कुछ जड़िया उन्होंने को कुछ ऐसे फैसले जड़े गलत फैसले हुए उन्होंने उत्ते जड़ा काबू पा के अगों टेस्ट सीरीज जड़ी पाकिस्तान टीम ने खेलनी है 3 टेस्ट मैचों की सीरीज उदे विच जड़ा बेहतर तो बेहतर परफॉर्म करके श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल कर सकती पाकिस्तान टीम, कैपेबिलिटी है पाकिस्तान को, ऐसे प्लेयर्स मौजूद ने कि पाकिस्तान जड़ा श्रीलंका को शिकस्त दे सकता। नाज़रीन अज्ज दे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, अपने मेजबान मूसा वड़ाइच नूं इजाजत दिओ, अल्लाह हाफिज़।